बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अक्सर ऐसी बातें कह जाती हैं जो लोगों के लिए शॉकिंग होती हैं। एक बार फिर से कंगना ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। डेंगू से पीड़ित होने से लेकर इमरजेंसी के दौरान अपनी संपत्तियों को गिरवी रखने तक हमने बार बार कंगना की सफलता देखी है, लेकिन उनकी प्रसिद्धि की राह कभी आसान नहीं थी। आज जब कंगना रनौत ने एक एक्ट्रेस के रूप में अपने इमरजेंसी शेड्यूल को पूरा किया, तो एक इंस्टाग्राम पोस्ट से बात करते हुए कंगना ने फिल्म के सेट से बीटीएस की कई तस्वीरें शेयर की और इमरजेंसी में काम करने के अपने अनुभव के बारे में एक लंबा नोट शेयर किया। वह उन दुश्मनों के बारे में भी संकेत देती हैं जिन्होंने आपातकाल को बनने से रोकने के लिए समय के साथ काम किया। पद्मश्री एक्ट्रेस कंगना रनौत ने कहा, आज एक एक्टर के रूप में मैंने इमरजेंसी की शूटिंग पूरी कर ली है। मेरे जीवन का एक बहुत ही शानदार चरण ये पूरी तरह से पूरा हो जाता है। ऐसा लग सकता है कि मैंने इसे आराम से पार किया है, लेकिन सच्चाई इससे बहुत दूर है। मेरी सभी संपत्तियों को गिरवी रखने से लेकर हर एक चीज जो मेरे पास थी, पहले शेड्यूल के दौरान डेंगू हुआ, खतरनाक रूप से कम खून की गिनती के बावजूद इसे फिल्माया, एक इंसान के रूप में मेरे कैरेक्टर का गंभीर परीक्षण किया गया है। मैं SM पर अपनी भावनाओं के बारे में बहुत खुली हूँ, लेकिन मैंने ईमानदारी से ये सब शेयर नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि जो लोग बेवजह चिंता करें। उन्होंने आगे कहा, और जो लोग मुझे गिरते हुए देखना चाहते थे और जो मुझे पीड़ित करने के लिए सब कुछ कर रहे थे, मैं उन्हें अपने दर्द का सुख नहीं देना चाहती थी। साथ ही मैं उनके साथ शेयर करना चाहती हूँ, आप सब ये मानते हैं कि यदि केवल अपने सपनों के लिए या जो आप चाहते हैं उसके लिए कड़ी मेहनत करना ही काफ़ी है, तो फिर से सोचें, क्योंकि यह सच नहीं है। आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए जो दी गई है, भले ही आप योग्य हों। आपको अपनी सीमा से परे परखा जाएगा और आपको अवश्य ही टूटना नहीं। कंगना ने आगे लिखा, जब तक आप कर सकते हैं तब तक अपने आप को पकड़ो। यदि जीवन आपको बख्शता है तो आप भाग्यशाली हैं, लेकिन यदि आप टूटते हैं और टुकड़ों में बिखर जाते हैं तो आप धन्य हैं। जश्न मनाएं क्योंकि ये समय है आपके पुनर्जन्म के लिए। ये मेरे लिए एक पुनर्जन्म है और मैं पहले की तरह जीवित महसूस करती हूँ। मेरे लिए ऐसा करने के लिए मेरी जबरदस्ती प्रतिभाशाली टीम को धन्यवाद। PS, जो लोग मेरी परवाह करते हैं, कृपया जान लें कि अब मैं एक सुरक्षित स्थान पर हूँ। अगर मैं नहीं होती तो मैं ये सब शेयर नहीं करती। कृपया चिंता ना करें, मुझे केवल आपके आशीर्वाद और प्यार की जरूरत है।